हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त हमारे बीच में, यहाँ पर देखिए कोलकाता, कोलकाता वेस्ट बंगाल से लोग आए हुए हैं, बौद्ध लोग यहाँ पर और बौद्ध भिक्षु लोग भी हैं। और हमारे बीच में बहुत अच्छी बात है कि भदंत प्रज्ञाशील महाथेरो जी भी यहाँ पर हैं, जो सदस्य सचिव रह चुके हैं BTEMC के बोध गया के, और आज हम उनसे भी अभी जानकारी लेते हैं यहाँ पर कि आपकी यहाँ पर आप भी उपस्थित हैं। और इसी बीच में यहाँ पर भंते या और भी हैं कोलकाता से, यहाँ पर काफ़ी संख्या में दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए, और ये बहुत अच्छी बात है। हम जानकारी लेते हैं बंदाम भंते, चलो 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 ठीक है, महाबोधि महाविहार लेके रहेंगे बौद्धों की मांग। आज तमाम बौद्ध लोग पूरे देश से और विदेशों से भी इस आज के रैली में, 25 को जला से 25 को हमारे तमाम बौद्ध प्रतिनिधिगण जिधर उधर अलग अलग राज्यों से शामिल हुए हैं। और संविधान दिवस पे हमारी एक मुख्य मांग है कि बौद्धों का महाबोधि विहार बौद्धों के हाथों में होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट केवल और केवल बौद्ध लोग ही करें। ये आज जैसे पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है, ऐसा क्या जरूरी पड़ी कि आज ही के दिन आप लोग चुने? आज का संविधान दिवस है, संविधान अगर लागू किया होता बढ़िया से, सभी को न्याय अगर मिलता, क्योंकि भारत देश जो है धर्म निरपेक्ष कहते हैं, और सभी जो अपने अपने धर्म वाले लोग हैं वो अपने अपने चीज़ों का संचालन करते हैं। जैसे कि क्रिश्चियन लोग अपने चर्चों का संचालन करते हैं, मुस्लिम लोग अपने मस्जिदों का संचालन करते हैं, उसी तरह से सिख गुरुद्वारों का करते हैं, उसी तरह से जो ब्राह्मण पंडित पुरोहित है वो ब्राह्मणी मंदिरों का व्यवस्थापन करते हैं। एकमात्र दुनिया का ये महाबोधि महाविहार है कि जिसका मैनेजमेंट बौद्धों के हाथों में नहीं है, इसको लेकर ही सामाजिक अन्याय के खिलाफ में आज की ये बहुत विशाल रैली आयोजित की गई है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम दार्जिलिंग की ओर से आकाश लामा जी और तमाम सहयोगी संगठन, पूरे भारत के जितने भी संगठन हैं, तमाम बौद्धों के संगठन आज के इस विशाल रैली में शामिल हुए हैं। और हम लोग महाबोधि महाविहार में जाने वाले थे, लेकिन सुना है कि 20 ही लोगों का अनुमति है, तो ये भी एक प्रकार से सामाजिक अन्याय है कि बौद्ध लोग अपने महाबोधि व महाविहार में नहीं जा सकते। क्यों? कि हम अपनी मांग जो रख रहे हैं कि जो सामाजिक अन्याय हो रहा है बौद्धों के साथ में, तो बौद्धों को न्याय मिले, और बौद्धों के साथ में तमाम दुनिया के बौद्धों का जो यहाँ पर केंद्र स्थान है, श्रद्धा स्थान है, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त की, जो बोधि वृक्ष वाला स्थान है, इसका मैनेजमेंट बौद्धों के हाथों में होना चाहिए, यही हमारी एक मांग है। और जो 1949 एक्ट, बोधगया टेम्पल एक्ट है, इसे टोटली ख़त्म करके और तमाम कमेटी बौद्धों को सौंप देनी चाहिए। आज के यही संदेश है संविधान दिवस के अवसर पर कि बौद्धों को न्याय दो। धन्यवाद। आप अपना परिचय दीजिए। मैं हूँ भदंत प्रज्ञाशील महाथेरो। 1995 में महाबोधि टेम्पल का मुझे भिक्खु प्रभारी बनाया था, 96 में सुपरिटेंडेंट बनाया था, और उसके बाद 98 से 2001 तक के मैं बोधगया टेम्पल का पहला बौद्धों का सेक्रेटरी बनाया गया था, और वो भी 18 महीने दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना देने के बाद। तो इसलिए मैं भंते प्रज्ञाशील इस आंदोलन में हम आकाश लामा जी के और तमाम लोगों के साथ में पूरे धन तन मन धन से शामिल है। बहुत बहुत साधुवाद।